दोस्तों आज हम एक बहुत ही चमत्कारिक नियम की बात करेंगे, वो है आपका पांच से विभक्त होने का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। तो दोस्तों आपके ये नियम कहाँ काम आते हैं, जैसे आपको दोस्तों फ्रैक्शन को ऊपर नीचे काटना है तो आप यहाँ पे रूल के द्वारा यह चेक कर लेंगे कि ऊपर की संख्या कौन से नंबर से डिविजिबल है, नीचे की संख्या कौन से नंबर से डिविजिबल है, यानी दोनों ऊपर नीचे की सेम नंबर से डिविजिबल है, दोनों को आप डिवाइड करेंगे और आपका फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगा। तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो दोस्तों कई गुना फास्ट हो जाएगी, और किसी ट्रिक से कैलकुलेशन फास्ट नहीं हुई है तो इन नियम के द्वारा आपकी कैलकुलेशन दोस्तों जरूर फास्ट होगी। तो दोस्तों ये मुझे अभी पता लगा और आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर पाँच से विभक्त होने के नियम, यदि किसी संख्या का इकाई अंक जीरो या पाँच में से कोई हो तो वह संख्या पाँच से पूर्णतया विभक्त होगी। कैसे, जैसे हमें दोस्तों यह संख्या दे रखी है, ठीक है, और नीचे आ गया आपका यह, और ऐसी कोई फ्रैक्शन है, अब इसको मुझे सोल्व करना है, ठीक है, क्या करना है, सोल्व करना है। तो मुझे पता लग गया इस अपना नियम के द्वारा, इसका इकाई अंक देखा जीरो है, इसका इकाई अंक पाँच है, यानी यह भी आपका पाँच से डिविजिबल है, ये भी पाँच से डिविजिबल है, इसको दोस्तों हम पाँच से काट देंगे, इसको भी पाँच से काट देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे हम इसमें पाँच का डिवाइड करके देखें, नौ सात पाँच तीन जीरो, इसमें पाँच का डिवाइड किया दोस्तों कितना, एक बार चला गया पाँच आ गया, माइनस किया चार आ गया, सात को यहाँ लेकर आ गए, नौ पंजा पैंतालीस, माइनस किया दो आ गया, पाँच को यहाँ ले आए, पाँचोड़ी पच्चीस, माइनस किया जीरो आ गया, ठीक है। उसके बाद तीन को यहाँ ले आए, भाग नहीं जा रहा है, जीरो बार चला गया, इस जीरो को हम यहाँ ले आए, कितना छः बार चला गया, पाँच संग तीस, माइनस किया जीरो आ गया। देखिए सेंस पर जीरो आया, इसका मतलब यह से कि आपका पाँच से पूर्णतः विभाजित हो गया, इसको हमने पाँच से काटा तो कितना आ गया, एक नौ पाँच जीरो छः, इसको हम पाँच से काटेंगे कितना आएगा, देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तीनों पंजा पंद्रह, उसके बाद पाँच संतीस, कितना एक बार चला गया, ठीक है, उसके बाद आपका दो बार चला गया, उसके बाद आपका सात बार चला गया, ठीक है। ये जो आपका फ्रैक्शन था, देखिए इस प्रकार से हमने सिंप्लीफाई कर लिया, किसके द्वारा, अपना डिविजिबिलिटी रूल देखा, यानी विभक्त होने का नियम देखा, और हमें पता लग गया कि ये भी पाँच से कट रहा है, ये भी पाँच से कट रहा है। तो ऐसे करके हैं जो आप अपना कैलकुलेशन, स्पेशलिस्ट टाइप की जो कैलकुलेशन है उसको फास्ट कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। और दोस्तों मैथमेटिक्स में जो है ना सबसे बड़ा रोल किसका रहता है, कैलकुलेशन का। यदि हमें कैलकुलेशन अच्छे से आ रही है तो दोस्तों मैथमेटिक्स हमारे लिए आसान है, और कैलकुलेशन नहीं हो रही तो मैथमेटिक्स हमारे लिए मुश्किल है। धन्यवाद।